हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो ये है नोनी का साग, और नोनी का साग आज के दिन के लिए बहुत ही खास होता है। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो मैं हूँ बिहार से, और हमारे यहाँ बिहार और झारखंड में नोनी साग का बहुत ही महत्व होता है जीवित पुत्री का व्रत में। और आज है जीवित पुत्री का व्रत की नहाय खाय, एक दिन पहले होती है नहाय खाय, और कल इसकी व्रत की जाएगी, जो कि संतान की लंबी आयु के लिए की जाती है। नोनी साग के ऊपर मैं कई वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, नोनी साग की हार्वेस्टिंग और कई तरह की रेसिपी भी बना चुकी हूँ, जैसे कि पकौड़ा, दो तरह की पकौड़ा की रेसिपी बनाकर पहले डाली हुई हूँ, और इसके साग भी, भाजी भी और चटनी भी। चटनी भी इसे हम कई तरह से बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसके फ़ायदे बहुत हैं, जो कि मैं वीडियो भी डाली हुई हूँ नोनी साग के बेनिफिट्स के ऊपर, तो आप मेरे चैनल में जाकर वीडियो देख भी सकते हैं। और इस वीडियो के थंबनेल में, इन स्क्रीन में मैं लगा भी दूंगी नोनी साग से रिलेटेड वीडियो की थंबनेल, कुछ की लगा दूंगी, और कुछ आप चैनल में जाकर देख सकते हैं रेसिपी वगैरह को। तो इस तरह से देखिए, मैं हार्वेस्टिंग भी कर ली हूँ नोनी साग की, और भी मैं हार्वेस्टिंग कर दिखाने जा रही हूँ, और दूसरे पॉट में जो है, और मैं ये भी दिखाने जा रही हूँ कि आज के दिन हम लोग क्या क्या, किस किस चीज़ की सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं। तो ये देखिए, ये घर का नोनी साग है, इसमें कोई कुछ भी नहीं खाद पानी वगैरह डाला हुआ है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और ये देखिए, ये कुछ ऊपर में भी लगे हुए हैं, तो ऊपर में ये देखिए थोड़ा सा ये रेड रेड जैसा हो गया है, तो ये धूप वगैरह ज़्यादा लगता है या पानी की कमी हो जाती है, तो उससे भी ऐसा हो जाता है, लेकिन ये ठीक है। तो इसकी भी मैं हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, हार्वेस्टिंग करना बहुत ही आसान है, तो आप चाहें तो सीजर की सहायता से भी कर सकते हैं, हालांकि मैं इसी तरह से हाथ से ही कर दी हूँ, और ये एक दो सेकंड में हो गया है। तो ये देखिए, इतने सारे नोनी के साग मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं, और आज के दिन मार्केट में ये थोड़ा महंगा मिलता है, ऐसे ही हमेशा मिलता है, लेकिन कम रेट रहता है। आज के दिन थोड़ा ज़्यादा महंगा हो जाता है, क्योंकि इसके महत्व हमारे यहाँ बहुत होता है इसलिए। और इसे कैसे लगाते हैं, इसके ऊपर भी वीडियो मेरी बनी हुई है। इसे लगाना भी बहुत ही आसान है, सीड से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं, कुछ लोग इसे वीड्स कहते हैं, तो इस तरह के भी वीड्स भी होते हैं, और इसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नामों से बोलते भी हैं। जैसे हम लोग गोला का साग भी कहते हैं, गोलगोला का भी साग कहते हैं, पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, तो अभी मैं आगे बढ़ती हूँ वीडियो में। तो नोनी साग के अलावे, और यहाँ पे ये देखिए सतपुतिया है, तो सतपुतिया भी हम लोग आज के दिन बनाते हैं, और फिर नोनी साग को भी किसी तरह बनाइए, साग वगैरह जैसे भी। और ये कंदा है, जैसे कि कुछ लोग बंडा भी कहते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो इसे भी बनाना होता है आज के दिन, और पारण के दिन भी, तो आप इसे किसी भी तरह से बना सकते हैं। कुछ लोग इसकी नोनी साग और सतपुतिया की चटनी मिलाकर भी बनाते हैं। और ये है देखिए पैकेट में मड़ुआ का आटा, जो कि आज बनाना ज़रूरी होता है और पारण के दिन भी, तो मैं मड़ुआ की रोटी बनाऊंगी, छोटी छोटी रोटियां बनाते हैं इसकी हम लोग, पूरी जैसी। और इसके अलावा भी मैं नोनी का साग भी मार्केट से मंगाई हूँ, जो कि अभी नहीं आया है, क्योंकि फिर पारण को भी बनाना होता है इसलिए। और इन सब के अलावे हरा मटर भी बनाते हैं, ये वाला हरा वाला मटर, एक हरा मटर होता है, लेकिन ये हरा मटर, इसे हम लोग कुशी केराव बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसे फुलाकर बनाते हैं, और कुछ लोग आज के दिन भी बनाते हैं, लेकिन पारण के दिन तो ज़रूर ही बनाते हैं। तो ये कंदा या सतपुतिया वगैरह भी जिनके पास स्पेस होते हैं वो घर में भी लगा लेते हैं, लेकिन मेरे पास तो बस छोटा सा बालकनी गार्डन है, और वो भी अस्त व्यस्त है। क्यों अस्त व्यस्त है, वो तो मैं कई वीडियो में बता भी चुकी हूँ और दिखा भी चुकी हूँ। इस व्रत को जितिया या ज्योतिया या जीवित पुत्री का व्रत भी कहते हैं, इसलिए मैंने ये फ़ोटो वगैरह लगाई हूँ। इसके बारे में अगर ज़्यादा जाना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, इसके बारे में अनेक कथाएं भी हैं, वह भी आप सर्च कर देख सकते हैं। और मैं व्रत के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ कि कैसे कैसे हम लोग और क्या क्या करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, तो आप चाहें तो जाकर आप सर्च कर गूगल पर भी देख सकते हैं, या यूट्यूब पर भी सर्च कर देख सकते हैं जीवित पुत्री का व्रत के बारे में। तो कल यानी कि 6 अक्टूबर को इसका व्रत रखेंगे, जो कि बिल्कुल निर्जला व्रत होता है, और इसका पारण 7 अक्टूबर को, इस बार टाइमिंग है 10:30 बजे के बाद पारण करने का।
और इसके बहुत सारे नियम भी होते हैं, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम होते हैं और अलग अलग ढंग से लोग बनाते भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से बनते हैं, बिहार और झारखंड में ज़्यादातर ऐसे ही बनते हैं। तो नोनी शाक के ऊपर तो मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ, तो आज मैं इसका रेसिपी शेयर नहीं करने जा रही हूँ। रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो चैनल में जाकर देख सकते हैं और थंबनेल मैं लगा दूँगी। तो आज की मेरी यही छोटी सी हार्वेस्टिंग थी नोनी साग, जिसे कि नोनिया का साग भी कहते हैं। और आज के दिन और क्या क्या किस किस चीज़ की सब्ज़ी बनाते हैं तो आप लोगों के साथ यही मैं शेयर की हूँ आज। तो नोनी साग से जितनी भी रिलेटेड वीडियो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें, और मेरे चैनल में जो नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।